नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दो क्वेश्चंस के यहाँ पे हम लोग आंसर जानने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ ट्रॉपिकल डिजर्ट्स आर फॉर्म्ड, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई आर दी डिजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये खासकर ट्रॉपिकल इलाकों की बातें हो रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये बीच में आपको 0 डिग्री की लाइन नजर आ रही है जो की है इक्वेटर। आई होप आप सबको पता हो इक्वेटर। ये है ऊपर आपका 30 डिग्री नॉर्थ, और नीचे है आपका यहाँ पे 30 डिग्री साउथ। ये पूरी की पूरी लाइन सीधी चली जाएगी, ये इक्वेटर है और ये साउथ वाली लाइन है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको वेस्टर्न एज पे कुछ डिजर्ट्स नजर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं नजर, इस वेस्टर्न एज पे डिजर्ट्स नजर आ रहे हैं। खासकर उन डिजर्ट्स पे ध्यान दीजिए जो कि ट्रॉपिक्स के बीच में है, या कह लीजिए कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में। तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न एज पे डिजर्ट्स नजर आ जाएंगे, या नामीब डिजर्ट नजर आ रहा है, कालाहारी डिजर्ट नजर आ रहा है। फिर अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे आपको अटाकामा डिजर्ट नजर आ रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में देख लीजिए, यहाँ पे सहारा डिजर्ट नजर आ रहा है। अरेबियन डेजर्ट यहाँ पे पूरा सऊदी अरेबिया में, इंडिया का थार डेजर्ट है। कुछ और भी डेजर्ट है ईरान के, जैसे दस्ते कावीर, दस्ते लूत, कुछ और स्पेसिफिकली बताता हूं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे सोनोरन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट। फिर साउथ अमेरिका में आ जाए तो आपको अटाकामा डेजर्ट नजर आ रहा है। फिर अफ्रीका में आ जाए तो आपको नामीब डेजर्ट नजर आ रहा है। अंदर की तरफ कालाहारी डेजर्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया भरा हुआ है अरेबियन डेजर्ट से। इंडिया में थार डेजर्ट, ऊपर ही चले जाइए तो गोभी, टकला मकान, ये सब आपके चाइना में है, बट आप कह सकते हो कि ये ट्रॉपिक से बाहर चले गए, तो इनको एक सेकंड के लिए ध्यान नहीं देते हैं। ये अफ्रीका में जो डेजर्ट नजर आपको सहारा डेजर्ट, पूरा का पूरा आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहां से शुरू हो रहा है और अक्रॉस द पेरीफेरी ऑफ अफ्रीका जा रहा है। इधर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आ जाए तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो इस तरीके के डेजर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो काफी केसेस में आप यहाँ पे देखोगे, जैसे अटाकामा की बात कर लीजिए, नामीब की बात कर लीजिए, कालाहारी की बात कर लीजिए, सोनोरन मोजाव की बात कर लीजिए, थार डेजर्ट की बात कर लीजिए, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट की बात कर लीजिए, अरेबियन डेजर्ट की बात कर लीजिए, ये सब वेस्टर्न एज पे नजर आ रहे हैं। तो या तो ये वेस्टर्न एज पे है या थोड़ा अंदर जाके, जैसे कि अरेबियन सी बोल दीजिए तो बिल्कुल ही वेस्टर्न एज पे नहीं है, थोड़ा अंदर जाके। तो ये सब ऐसा हो क्यों रहा है? ये जो ट्रॉपिक्स में डेजर्ट बन रहे हैं, ये आपके वेस्टर्न एज पे क्यों बन रहे हैं? इसकी वजह हम तीन चीजों से देखेंगे दोस्तों। ये है रेन शैडो रीजन पहला, दूसरा है एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस ड्यू टू सबसाइडिंग। इन दोनों चीजों को समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और तीसरा है डेसिकेटिंग इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ओशन करंट। इस टॉपिक को मैं कनेक्ट कहां से कर रहा हूं? इस टॉपिक को मैं कनेक्ट कर रहा हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 से। मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी 9th क्लास 9 का रीसेंट चैप्टर लिया है। उस रीसेंट चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि दो चीजें मैं अलग से बताऊंगा। एक तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जो भी ट्रॉपिकल एरियाज में डेजर्ट बनते हैं वो वेस्टर्न एज पे क्यों बनते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। और मैं जानता हूं दोस्तों, आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि जेट स्ट्रीम्स क्या है, और एग्जैक्ट रीजंस नहीं पता होंगे कि ये डेजर्ट्स क्यों बन रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 6ठी से लेकर 12वीं की एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा ना ज्योग्राफी की, आपकी पूरी ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी के शब्दों को नहीं बता रहा हूं, उनके अंदर के मतलब को भी समझा रहा हूं डिटेल में। इसीलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी को फॉलो करिए होल हार्टेडली, उसको इग्नोर मत करिए, खासकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेन शैडो रीजन वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अच्छा रेन शैडो रीजन कॉन्सेप्ट दो तरीके से आता है। एक तो आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल के केस में, और दूसरा आता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के केस में। तो इस रेन शैडो रीजन को समझने के लिए, और ये जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है इसको समझने के लिए, सबसे पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट आपको इस फिगर में देखने को मिलेगा। ये फिगर देखा देखा लग रहा होगा दोस्तों, मैंने पहले भी इस फिगर को, इस तरीके के फिगर को, जहां पे मैंने आपको प्रेशर बेल्ट्स दिखाई हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स दिखाई हैं, वो यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए किसी एक जगह पे गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तो वहां पे जो हवा होगी वो गर्म होगी, हवा गर्म होगी, हल्की होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इक्वेटर पे भी यही होता है दोस्तों, ये बीच में इक्वेटर दिख रहा है ना, ये इन इक्वेटर्स के आसपास के इलाके को आप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हो, इसको आप डोल्ड्रम्स भी बोलते हो। 30 डिग्री नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड है उनको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, 30 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड है उनको भी आप हॉर्स लैटिट्यूड करोगे। अभी ये हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहे जाते हैं इनको भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको रीजनिंग समझा दूं। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहां पे हवा गर्म हुई ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद हवा के पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो ये राइट में जाए या लेफ्ट में जाए। कहीं ना कहीं ये हवा जाके नीचे डिसेंड करेगी, बिल्कुल सेम टू सेम यहां पे हो रहा है दोस्तों। इक्वेटर पे
गर्मी ज्यादा पड़ती है, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वहां पे हवा गर्म जल्दी होती है, जब गर्म जल्दी होती है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती है और एक लो प्रेशर बनता है। उस लो प्रेशर को भरने के लिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहती हुई आती हैं हॉर्स लैटिट्यूड से, नॉर्थ वाले हॉर्स लैटिट्यूड से, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स साउथ वाले हॉर्स लैटिट्यूड से भर के आती है। तो ये जो हॉर्स लैटिट्यूड है यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो 30 डिग्री साउथ है यहां पे बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ऊपर वाले को आप बोल सकते हो नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, नीचे वाले को बोल सकते हो आप साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिनको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो दो चीजें देखिए आपको, एक तो डोल्ड्रम्स जिनको आप कह सकते हो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और दूसरे बने आपके हॉर्स लैटिट्यूड। तो इक्वेटर पे हवा गर्म हुई, अब ये जो पॉइंट जहां पे मैं हवा गर्म करने वाली बात बता रहा हूँ, ये मान लीजिए इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे हवा गर्म हुई ऊपर गई, ऊपर जबकि वो दो भागों में बटी, वो दो भागों में बटने के बाद यहाँ नीचे डिसेंड करेगी। ये डिसेंड पता है कहां कर रही है, एक डिसेंड कर रही है नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, और एक डिसेंड कर रही है साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। तो आप देखिए यहां पे ये दिखा भी रखा है कि इक्वेटर से हवा ऊपर उठी, ऊपर जाके फिर वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे नीचे डिसेंड करेगी, वही चीज साउथ में होगी। इक्वेटर से हवा ऊपर उठी साउथ में गई और साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे नीचे डिसेंड करेगी, और जो साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और जो नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है जहां पे हॉट लैटिट्यूड बनते हैं वहां पे बनेगी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होती है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होती है। तो अगर आपने निसर्ग साइक्लोन वाली वीडियो देखी है जहां पे मैंने आपको कोरियालिस फोर्स समझाया, और वो वीडियो देखनी इसलिए भी जरूरी है कि ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये स्लैंटेड डायरेक्शन में क्यों जा रही है, ये समझने के लिए आपको कोरियालिस फोर्स समझना पड़ेगा, फेरल लॉ समझना पड़ेगा जो कि मैंने वहां पे समझाया है। ये कोरियालिस फोर्स जिसकी वजह से फेरल लॉ होता है वो क्या बोलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंड बहेगी राइट डिफ्लेक्ट होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में जब विंड बहेगी लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स अगर ऐसी आ रही है तो ऐसी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसी आ रही है तो ऐसी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ दर्न हेमिस्फीयर में राइट डिफ्लेक्शन, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का एक कर्व डायरेक्शन क्यों है ये आपको मेरी निसर्ग साइक्लोन वाली वीडियो में पता चलेगा। दूसरी बात दोस्तों, साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होती हैं ये आपको मेरी साइक्लोन वाली वीडियो में पता चलेगा। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरी एनसीईआरटी की वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की वीडियोस को नहीं देखा है यहां मैं क्या बकवास कर रहा हूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, एनसीईआरटी वीडियोस देख लीजिएगा। निसर्ग साइक्लोन वाली वीडियो को देखिए, वहां पे आपको साइक्लोनिक कंडीशंस के बारे में पता चल जाएगा और फेरल लॉ के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ साइक्लोनिक कंडीशंस बनती क्या है। साइक्लोनिक कंडीशंस तब बनती है दोस्तों जब गर्मी ज्यादा हो, पानी है, पानी के ऊपर गर्मी ज्यादा है, हवा इवेपोरेट होकर ऊपर जा रही है, नीचे लो प्रेशर बन रहा है, तो बीच में लो प्रेशर बन रहा है, तो साइक्लोनिक कंडीशंस बीच में लो प्रेशर बन रहा है और चारों तरफ हाई प्रेशर विंड्स रिवॉल्व कर रही है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होगा, बीच में हाई प्रेशर बनेगा, तो इन हॉर्स लैटिट्यूड्स पे हवा डिसेंड कर रही है, और ये जो साइकिल है जो यहां आपको बनती नजर आ रही है, ये वाली साइकिल बनती नजर आ रही है ना ऐसे, ये वाली साइकिल बनती नजर आ रही है ऐसे, इसको बोला जाता है हेडली साइकिल। ये देखिए हेडली सेल, तो हेडली सेल में हो क्या रहा है, इक्वेटर पे हवा ऊपर उठी और जाके वो हॉर्स लैटिट्यूड पे डिसेंड हुई, तो इक्वेटर पे उठे ऊपर उठी हॉर्स लैटिट्यूड पे डिसेंड हुई, तो हॉर्स लैटिट्यूड पे बनेगी क्या चीज, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में प्रेशर ज्यादा होता है, और वो प्रेशर जब ज्यादा होगा तभी तो आप देखोगे कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है नॉर्थ में और साउथ में, वहां पे तो हाई प्रेशर होगा और आपका इक्वेटर पे लो प्रेशर होगा, और तब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे चलेंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे चलेंगी। तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर से बनता नजर आ रहा है, ये बनता नजर आ रहा है आपको हेडली सेल की वजह से। आप समझिए दोस्तों, अगर आपको हेडली सेल समझ में आ गई, अगर आपको कोरियालिस फोर्स समझ में आया, फेरल लॉ समझ में आया, तो अब आपको समझ में आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन। और जब आपको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी तब आते हैं हम इस फिगर में। इस फिगर में दोस्तों अगर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बह रही है तो ऐसे बह रही है, यहां से बह रही है ऐसे, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से बह रही है। अब जब विंड्स ऐसे बहेंगी दोस्तों तो होगा क्या, समझिए बात को, ये साउथ ईस्ट में कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है। अब ये जब विंड बहेंगी दोस्तों तो ये विंड जो भी बारिश वारिश होगी वो इस इलाके में कर देंगी। अगर यूएस में ये विंड्स बहेंगी
तो बारिश इस इलाके में कर देंगी, ये कभी वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचेंगी ही नहीं, आप समझिए। इसीलिए ये विंड देखिए ऐसे बह रही है, ये वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच ही नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे बह रही है, ये वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच ही नहीं रही है। इसीलिए दोस्तों आप देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, रेन शैडो रीजन कैसे बन रहा है। रेन शैडो रीजन दोस्तों ऐसे बन रहा है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये ईस्टर्न इलाके में सारी बारिश कर देंगी, और जब ये ईस्टर्न इलाकों में सारी बारिश कर देंगी ये वेस्ट तक पहुंचेंगी ही नहीं, और जब वेस्ट तक पहुंचेंगी नहीं तो अटाकामा वाला रीजन डेजर्ट बन जाएगा, सहारा का ये वाला रीजन डेजर्ट बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट वाला रीजन डेजर्ट बन जाएगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट वाला, खासकर साउथ वेस्टर्न पार्ट वाला रीजन डेजर्ट बन जाएगा, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट वाला रीजन डेजर्ट बन जाएगा, क्योंकि ये जो रेन बेयरिंग विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये आपकी ईस्टर्न एज तक पहुंचेंगी नहीं। जो भी मॉइस्चर ये उठाएंगी समुन्द्र से वो इस लैंड मास के ईस्टर्न एज पे ही बरसा देंगी, वेस्ट तक पहुंचते पहुंचते इनमें मॉइस्चर रहेगा ही नहीं, तो वेस्टर्न पार्ट में पानी ही नहीं बरसेगा, जब वेस्टर्न पार्ट में पानी ही नहीं बरसेगा तो वहां पर डेजर्ट हो जाएगा। इसीलिए देखिए कि सोनोरन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ये सब डेजर्ट क्यों बने, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न डेजर्ट ये डेजर्ट क्यों बने, ये डेजर्ट इसलिए बने हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कभी यहां तक पहुंच के बारिश कर ही नहीं पाती। तो आप समझ में आया कि यहाँ पे रेन बियरिंग, ये जो रेन शेडो रीजन कैसे बना, ये रेन शेडो इसलिए रीजन ऐसे बना कि जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये समुंदर से जो मॉइस्चर उठा रही हैं, उसको ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में बारिश कर दे रही हैं, वो कभी वेस्टर्न पार्ट तक पहुंच ही नहीं रहा। दूसरा एक और रीजन है, वो रीजन आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। एक चीज होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल ये होती है, ये आपको पहाड़ दिख रहा है, इस तरफ मान लीजिए समुंदर है दोस्तों, अब समुंदर से पानी गर्म हुआ, पानी ऊपर उठना हुआ, और मान लीजिए उस पहाड़ के इस एज के अराउंड ऊपर उठना शुरू हुआ, धीरे धीरे ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया, ये मॉइस्चर भारी होता गया, भारी होता गया, भारी होता गया, यहाँ क्लाउड्स के फॉर्म में आ गया, और वो क्लाउड्स बरसने लगे, और वो बरस गया इसी साइड पे, इस साइड पे बरसे ही नहीं, इस साइड पे कम बरसे, ज्यादातर पानी इस साइड पे बरस गया, तो इधर तो पानी पहुंचा ही नहीं, तो इधर का इलाका हो जाएगा ड्राई और इधर का इलाका हो जाएगा वेट। कुछ कुछ ऐसा ही आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी होता नजर आ रहा है। ये जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है ना दोस्तों, अगर आप साउथ अमेरिका की बात करो तो ऊपर से लेके नीचे तक एक माउंटेन रेंज चलती है जिसको आप बोलते हो एंडीज। नॉर्थ अमेरिका में भी ऊपर से लेके नीचे तक एक माउंटेन रेंज चलती है जिसको बोला जाता है रॉकी माउंटेन्स। तो नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकी माउंटेन्स, साउथ अमेरिका में एंडीज कुछ इस ओरोग्राफिक इफेक्ट को रोक देती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका में ये माउंटेन है, माउंटेन है, अब गर्मी पड़ी, यहाँ पे जो समुंदर उससे पानी इवेपोरेट हुआ, उसने जो ओरोग्राफिक रेनफॉल कराई वो इस एंडीज माउंटेन रेंज के वेस्ट में कराई, तो ईस्ट तक कभी ये ओरोग्राफिक रेनफॉल पहुंच ही नहीं पाई, तो ईस्ट में इस माउंटेन रेंज के ईस्ट में क्या बन गया, अटाकामा डेजर्ट बन गया। उसी तरीके से यहां देखिए ये जो नामीब डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, ये इधर अफ्रीका के वेस्टर्न एज पे जो माउंटेन रेंज थे उसके ईस्ट में बना, क्यों, क्योंकि यहां तक बारिश पहुंची नहीं, वही नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे, और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे रॉकी माउंटेन्स, तो रॉकी माउंटेन्स के ईस्ट में सोनोरन मोजाव डेजर्ट बन गया, क्योंकि सारी की सारी ओरोग्राफिक रेनफॉल इस रॉकी माउंटेन्स के वेस्ट में हो गई। तो दो तरीके के रेन शैडो रीजन बनते नजर आ रहे हैं, एक तो वो रेन शैडो रीजन कि जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पहुंची नहीं, दूसरे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल जो हो रही थी कोस्टल इलाकों में वो भी नहीं हुई, क्योंकि माउंटेन्स थे, उन माउंटेन्स ने वेस्ट साइड पे ही पानी बरसा दिया, ईस्ट तक आया ही नहीं पानी, तो डेजर्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, तो रेन शैडो रीजन आपको समझ में आया। दूसरा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कैसे हुई दोस्तों, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कुछ इस तरीके से हुई जैसा कि मैंने अभी आपको यहां समझाया। हेडली सेल, हेडली सेल में क्या हो रहा है कि 30 डिग्री नॉर्थ इन हॉर्स लैटिट्यूड्स के पास जाके हवा डिसेंड कर रही। इनका नाम हॉर्स लैटिट्यूड कैसे पड़ा, इसकी भी एक जबरदस्त स्टोरीज है। कभी कभी ये जो शिप्स होते थे ना दोस्तों, जब सेल कर रहे होते, तो पुराने जमाने में स्टीम शिप्स तो हुआ नहीं करते थे, तो वो लोग हवा से सेल करते थे। अब जब वो हॉर्स लैटिट्यूड में पहुंच जाते हैं, तो हॉर्स लैटिट्यूड में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, हवा सबसाइड हो रही होती है, वहां ज्यादा हवा बहती नहीं है, तो एक एक जगह पे बहुत बहुत महीनों तक शिप स्टक हो जाता था। तो ये लोग ज्यादातर केसेस में हॉर्स का ट्रेड करते थे, बाकी चीजों का ट्रेड करते थे। अब जब शिप एक जगह पे स्टक हो गया, पानी लिमिटेड है, अब समुंदर का पानी तो पी नहीं सकते, आपको फ्रेश वाटर चाहिए, तो हॉर्स को ट्रेड कर रहे हैं,
तो जब लोगों को लगने लगा, सेलर्स को लगने लगा कि अब हम मर जाएंगे, पानी है नहीं, तो उन्होंने अपने हॉर्स को उठा के पानी में फेंक दिया समुद्र में, ताकि उन हॉर्स को पानी ना पिलाना पड़े। समझ गए ना दोस्तों? तो पानी बचाने के लिए हॉर्स को फेंक देते थे पानी में जब वो इस हॉर्स लैटिट्यूड में सेल कर रहे होते, इसलिए इनका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि इन लैटिट्यूड्स में हवा नहीं चलती, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं, शिप मूव ही नहीं करते हैं। समझ गए? तो इसलिए इसका नाम है हॉर्स लैटिट्यूड। अब क्या है, हेडली सेल यह आपको बता रहा है कि हेडली सेल में जो हवा है वो इन 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे सबसाइड कर रही है। जब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हवा सबसाइड करेगी, इस इलाके में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी, और जिस इलाके में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है वहां पानी नहीं बरसता दोस्तों। पानी बरसने के लिए हवा को गर्म होकर ऊपर जाके क्लाउड बनाना जरूरी है, तब वो बरसेगा। जब हवा उल्टा नीचे डिसेंड कर रही है, पानी बरस ही नहीं सकता। तो इस 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाले इलाके में पानी बरसता नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कौन सा डिजर्ट आ रहा है, सारा डिजर्ट आ रहा है। इधर कौन सा डिजर्ट आ रहा है, अरेबियन डिजर्ट आ रहा है। तो आप देखिए बहुत सारे डिजर्ट इस 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ देखिए 30 डिग्री नॉर्थ में सोनोरन मोजावे डिजर्ट नजर आ रहे हैं, यहाँ 30 डिग्री साउथ में आपको अटामावा डिजर्ट नजर आ रहा है, नाबीब और कालाहारी डिजर्ट नजर आ रहा है, यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ में आपको अरेबियन डिजर्ट नजर आ रहा है, सहारा नजर आ रहा है, थार नजर आ रहा है, दस्ते कावे दस्ते लूज नजर आ रहा है, 30 डिग्री साउथ में आपको ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न एज पे जो डिजर्ट है वो नजर आ रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाले इलाके में डिजर्ट क्यों है, क्योंकि वहां पे हेडली सेल के चलते जो हवा है वो डिसेंड कर रही है, तो वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बन रही हैं, हवा वहां चली नहीं रही है, हवा वहां ऊपर जा ही नहीं रही, गर्म होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो पानी बरसेगा ही नहीं। और आखिरी रीजन है डेसिकेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड ओशन करंट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। यहां देखिए नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे ये कैलिफोर्नियन करंट ऐसे आ रहा है, पेरुवियन करंट ऐसे आ रहा है, बेंगुला करंट ऐसे आ रहा है, कैनरी करंट ऐसे आ रहा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ऐसे आ रहा है, ये सारे के सारे कोल्ड करंट है, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, मैंने एनसीईआरटी में आपको बता रखा है, जाके एनसीईआरटी की वीडियोस देखिए। तो अब देखिए ये कैलिफोर्नियन करंट, पेरुवियन करंट, इन सब का ठंडा पानी है, बेंगुला, कैनरी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, जब इनका ठंडा पानी है दोस्तों और ये कोस्ट के पास से गुजरेंगे, तो अगर हवा ऑनशोर है, अगर सी ब्रीज है, हवा अगर समुन्दर से लैंड की तरफ बह रही है, तो ये ठंडा करके हवा को भेजेंगे लैंड की तरफ, और जब वो ठंडी हवा लैंड की तरफ जाएगी तो वहां पे जाके एटमॉस्फेयर को कूल कर देगी, और जब वो एटमॉस्फेयर को कूल कर देगी तो डेसिकेटिंग इफेक्ट लाएगी। डेसिकेटिंग इफेक्ट मतलब गर्मी कम हो जाएगी, और जब गर्मी होती है तभी लो प्रेशर बनता है, तभी हवा ऊपर जाती है, तभी क्लाउड्स बनते हैं, तभी पानी बरसता है। तो अगर समुन्दर के पास से कोल्ड वाटर करंट निकल रहा है और हवा ऑनशोर है, तो वो हवा जाएगी लैंड की तरफ, वहां पे डेसिकेटिंग इफेक्ट आएगी, लैंड की हवा गर्म होना बंद हो जाएगी, ऊपर उठना बंद हो जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, वहां पे पानी बरसेगा ही नहीं। तो डेजर्ट्स को बनाने में ये कोल्ड ओशन करंट्स भी अपना रोल प्ले करेंगे, एक डेसिकेटिंग इफेक्ट देंगे इस चीज को। तो ये तीन रीजन है दोस्तों, आई होप ये तीनों रीजन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गुड बाय।